हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर सो व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कोडिंग जैसे कि एग्जाम्पल जावा में अगर कोई लाइन को प्रिंट करना होता है स्क्रीन में तो उसका कोडिंग होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर योर नेम तो स्क्रीन में प्रिंट uh, होगा एंटर योर नेम जब इस प्रोग्राम को छोटे से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रीन पे प्रिंट होता है एंटर योर नेम उसके बाद यूज़र उसमें अपना नाम एंटर करता है तो इस तरह प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो ये सारे प्रोग्राम्स मिलके बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके सॉफ्टवेयर बनता है सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटेन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब कोई भी पर्पस के लिए जैसे आरोग्य सेतु ऐप है वो भी एक तरह का एप्लीकेशन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो उसका क्या काम है वो जो हेल्थ uh, पर्पस के लिए यूज़ होता है उसका तो उसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं एक पर्पस के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो कोई भी सॉफ्टवेयर बिना ऑब्जेक्टिव का नहीं बनता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता, होता है ऑब्जेक्टिव होता है इसीलिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर थर्ड इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू डू अ स्पेसिफिक टास्क एग्जाम्पल एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस में हो गए एम एस वर्ड एम एस एक्सल एम एस पावर पॉइंट जितने भी एम एस ऑफिस में आते हैं सारे उसके बाद बिल्डिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टाली हो गया उसके बाद मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आ जाता है मीडिया प्लेयर मीडिया प्लेयर का मतलब होता है ऑडियो वीडियो प्लेयर जो ऑडियो वीडियो प्लेयर होता है वो सारे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू प्ले होता है विंडोज़ मीडिया प्लेयर एग्जाम्पल्स वी एल सी मीडिया प्लेयर एम एक्स प्लेयर पावर डीवीडी जेड ऑडियो विन एम्प एक्सेट्रा ये हो गया मीडिया प्लेयर्स के एग्जाम्पल्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है एडॉप फोटोशॉप एम एस पेंट कॉरल ड्रॉ पिकाज़ो एक्सेट्रा ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोशॉप uh, या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितने भी uh, तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद जो नेक्स्ट है वो वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है जैसे गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा नेटस्केप नेविगेटर यूसी ब्राउजर ओपेरा मिनी सफारी एक्सेट्रा मोजैक इट इज द फर्स्ट ब्राउजर ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड फर्स्ट ब्राउजर था मोजैक ये इंपॉर्टेंट है लिनिक्स लाइनिक्स इट इज द फर्स्ट ब्राउजर

एम एस टॉस विंडोज़ नाइनटी फाइव विंडोज़ नाइनटी एट विंडोज़ टू थाउजेंड विंडोज़ एन टी एन टी का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी विंडोज़ एक्सपी एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस विंडोज़ वेस्टा विंडोज़ सेवेन विंडोज़ एट विंडोज़ टेन यूनिक्स लिनिक्स ओबन टू मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस एक्सेट्रा एंड्रॉयड एंड्रॉइड जो फ़ोन पे यूज़ करते हैं ये जो प्रीवियस एग्जांपल्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए था और जो एंड्रॉयड है जो सेकेंड पॉइंट है वो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जैसे आईओएस हो गया विंडोज़ हो गया ब्लैकबेरी हो गया वेब ओ हो गया Kios हो गया कायोज़ हो गया टाइज एक्सेट्रा डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर का एग्जाम्पल है कीबोर्ड ड्राइवर प्रिंटर ड्राइवर ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हो गए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वीरा क्विकल नॉटन कैसपर स्काई के सेवन टोटल सिक्योरिटी एक्सेट्रा जिपिंग और कॉम्प्रेट कॉम्प्रेसिंग सॉफ्टवेयर विंड जिप विंड रैड पीएक्स जिप एक्सेट्रा तो कॉम्प्रेसिंग सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर आता है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर आता है और डिस्क क्लीन अप सॉफ्टवेयर और ट्यून अप सॉफ्टवेयर दिस ऑल्सो कम्स अंडर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नाउ कम्स क्वेश्चन एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो एम एस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो आंसर वे भी ऑप्शन बी क्विकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्विकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर आता है तो ऑप्शन सी इज आर आंसर द सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू डू अफिक टास्क इज नोन एज एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है तो ऑप्शन बी इससे आंसर व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये जैसे कीबोर्ड ड्राइवर तो आंसर होगा ऑप्शन ए व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज गूगल क्रोम गूगल क्रोम किस तरह का सॉफ्टवेयर है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तो आंसर ऑप्शन बी हो गया टू रन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज नीडेड हार्डवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है तो आंसर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जो मोबाइल के लिए होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया इसका आंसर टू कंप्रेस द फाइल विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इज नीडेड तो इसका आंसर हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दट इज ऑप्शन सी आरोग्य सेतु इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दट इज ऑप्शन बी डिस्क क्लीन अप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क क्लीन अप सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है दैट इज ऑप्शन सी सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो